हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लाए हैं एक आरसी हेलीकॉप्टर। तो ये वो हेलीकॉप्टर है, आप देख सकते हैं ये वीमैक्स का हेलीकॉप्टर है और इस पे लिखा है रेडियो कंट्रोल। तो ये रेडियो कंट्रोल है या नहीं ये तो हम देखेंगे आगे। बॉक्स पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है और आप देख सकते हैं रिमोट की, हेलीकॉप्टर की इस पे इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम इस हेलीकॉप्टर को अनबॉक्स कर लेते हैं। तो पहली चीज़ जो हमें यहाँ मिल रही है वो है ये मैनुअल, और दूसरी चीज़ जो हमें इसमें मिली है वो है ये चार्जर जो 3.7 वोल्ट का चार्जर है, और ये इसका चार्जिंग पॉइंट है। ये हमारा रिमोट कंट्रोल है और आप देख सकते हैं ये टू चैनल रिमोट कंट्रोल है, और टू चैनल का मतलब होता है ये केवल लेफ़्ट और राइट ही मूव कर सकता है, इसको आप बैकवर्ड और फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। और चलिए हम अपने हेलीकॉप्टर को भी लूज़ कर लेते हैं। तो ये हमारा हेलीकॉप्टर है, आप देख सकते हैं ये पूरा प्लास्टिक का बना है और पीछे की तरफ कोई मोटर भी इसमें नहीं दी गई है और आगे ये सब प्लास्टिक है, लेकिन ये अच्छा है, सॉलिड है, टूटेगा नहीं। और यहाँ पर जो है एक चार्जिंग पॉइंट दिया गया है, आप यहाँ पर चार्जर लगा कर इसको चार्ज कर पाएंगे। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप इसे लगा देंगे और इसको चार्ज कर पाएंगे। तो ये हेलीकॉप्टर जो है देखने में काफ़ी अच्छा है, और यहाँ पर एक ऑन ऑफ का बटन दिया गया है, अगर आप इसको ऑन करेंगे तो हेलीकॉप्टर ऑन हो जाएगा, और यहीं पर इसका सेंसर भी दिया गया है। तो ये हैं ब्लेड्स जो हेलीकॉप्टर मूव करेंगी, अच्छा क्वालिटी का इसमें ब्लेड दिया गया है। तो चलिए अब अपने रिमोट को ले लेते हैं और इसमें डाल लेते हैं सेल। इसमें 6 सेल डालते हैं, आप इसमें चार्जेबल नॉन चार्जेबल कैसे भी सेल डाल सकते हैं। तो हम रिमोट को ऑन कर लेंगे। तो यहाँ रिमोट ऑन हो गया है, इसको हम ये ऑफ कर लेते हैं और हेलीकॉप्टर को ऑन कर लेते हैं। हेलीकॉप्टर ऑन हो गया है, तो चलिए अब हम रिमोट को फिर से ऑन करेंगे। ये ऑन हो गया है और इसकी जॉयस्टिक जो है इसको हम एक बार ऊपर नीचे करेंगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा। तो इसको हम ऊपर करेंगे और ये फ्लाई करने लगेगा। अब देखिए ये मूव करने लगा है। तो ये टू चैनल है तो ये लेफ़्ट और राइट ही हो सकता है। देखिए इस की को अगर हम राइट साइड करेंगे, लेफ़्ट साइड करेंगे तो ये वैसे ही मूव करेगा। तो चलिए इसको मैदान में लेके चलते हैं और देखते हैं कैसा फ्लाई करता है। तो हम मैदान में आ गए हैं, आप देख सकते हैं ये हेलीकॉप्टर जहां हम फ्लाई कर रहे हैं, यहां पर हवा चल रही है और ये हेलीकॉप्टर जो हैं आउटडोर के लिए नहीं बने होते हैं, ये इनडोर के लिए होते हैं, लेकिन हम आउटडोर में इसको फ्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर हवा है, हवा में ये फ्लाई नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी ये अच्छा खासा फ्लाई कर रहा है। आप देख सकते हैं हवा में ये ठीक फ्लाई कर रहा है, तो बिना हवा के ये बहुत ही स्टेबल फ्लाई कर सकता है। तो इसकी फ्लाइंग काफ़ी अच्छी है, इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप देख सकते हैं इसके पीछे की तरफ जो है कोई मोटर नहीं दिया गया है, और फिर भी ये अच्छी तरह स्टेबल है। इस हेलीकॉप्टर को चार्ज करने में लगभग 30 मिनट लगते हैं और ये एक बार चार्ज होने पर लगभग 10 मिनट का बैकअप देता है। तो अगर आप इस हेलीकॉप्टर को परचेज करना चाहते हैं तो इसका बाय लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाके इसको बाय कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हेलीकॉप्टर बहुत ही सही तरीके से उड़ रहा है और अभी तक ये गिरा नहीं है, जैसे कि आमतौर पर हवा में हेलीकॉप्टर गिर जाते हैं।
तो चलिए इस हेलीकॉप्टर को हम थोड़ा सा ऊंचाई पर ले जाकर देखते हैं कि ये कैसा फ्लाई करेगा। और ज़्यादा ऊंचाई पर जाने पर आप देखिए क्या होता है, क्योंकि यहाँ हवा चल रही है तो ये डिसबैलेंस हो जाएगा। तो ये हेलीकॉप्टर काफ़ी अच्छा है फ्लाई करने में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये प्लास्टिक का है लेकिन फिर भी बहुत मजबूत है। ये उतनी ऊंचाई से नीचे गिरा लेकिन उसके बाद भी इसमें कोई डैमेज नहीं हुआ है। ये हेलीकॉप्टर IR है और इंफ्रारेड है, तो इसको आप इंडोर में फ्लाई करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, ये अच्छी तरह से इंडोर में फ्लाई हो जाता है। आउटडोर में करेंगे तो ध्यान रखें कि हवा ना चल रही हो, अगर हवा चल रही होगी तो ये बहक सकता है और आपके कंट्रोल से बाहर भी हो सकता है। आउटडोर में फ्लाई करते समय आपको ध्यान रखना होगा कि आप इसके नज़दीक ही रहें, क्योंकि अगर आप दूरी मेंटेन करेंगे तो ये आउट ऑफ रेंज हो सकता है और ये गिर जाएगा, क्योंकि ये रेडियो कंट्रोल नहीं है और इसकी जो रेंज है वो बहुत दूर नहीं होती है, लगभग आपके 8 से 10 मीटर की रेंज में ये रहना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि हम लेकर आते हैं नए टॉयज़ के साथ नई वीडियोस। तो तब तक के लिए बाय।